स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको याद हो कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इनको दे दो अपने आप लगा देंगे। तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में प्लस वन के अंदर हमने इक्विलिब्रियम किया था। इक्विलिब्रियम क्या था? इक्विलिब्रियम था कि नेट फोर्स जब किसी भी बॉडी पे जीरो है तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते थे? तीन, स्टेबल, अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल। कौन बोला न्यूट्रल? न्यूट्रल। तो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल हमने मैथमेटिकली एनर्जी के साथ भी डिस्कस किया था कि एनर्जी मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, क्या अभी जरूरत नहीं है उसकी। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नेट फोर्स एक बॉडी पे जीरो है, अगर उस बॉडी को हिला दें, उसका इक्विलिब्रियम खराब कर दें, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो अगर वो वापस आ गई तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर वो वापस नहीं आई तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो एग्जाम्पल सपोज, जैसे स्टेबल की बात करते हैं, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? टुवर्ड्स राइट है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, ये चार्ज पार्टिकल क्यू फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा? राइट। कितनी करेगा? क्यू ई। नेगेटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू ई, राइट। तो QE फोर्स विल कैंसल, नेट फोर्स क्या हो गई? जीरो। तो कौन सा इक्विलिब्रियम? ये इसका मतलब बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर क्या है? जीरो। पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब स्टेबल क्यों है? स्टेबल इसलिए कि अगर मैंने इस बॉडी को हिला दिया ऐसे, तो फोर्स ऐसे एक्सपीरियंस होगी QE, और यहां पर QE सेम टॉर्क जनरेट हो जाएगा, जिससे कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया, एक टॉर्क जनरेट होगा और बॉडी को वापस ले आएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है कि आपका सिस्टम नेट फोर्स जीरो है, पर जब आपने इसको हिलाया यहां से, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ये वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, नेगेटिव चार्ज फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगी? इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू ई। और ये ई इस क्यू पे क्या लगाएगा? फोर्स क्यू ई, ये देखो ऐसे। अब नेट फोर्स इस केस में भी जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है कि अगर मैं इसे छेड़ू ना, ऐसे ही पड़ा रहेगा ये, क्योंकि नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम तो है ही है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने इसे थोड़ा घुमा दिया, ऐसे टर्न कर दिया, तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस यहां करेगी और पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस इस तरफ करेगी, ऐसे हो जाएगा। टॉर्क कैसे जनरेट होगा? उल्टी तरफ। इसमें टॉर्क कैसे जनरेट हुआ था? इस तरफ, और बॉडी ऐसी आ गई थी। इसमें क्या होगा? इस तरफ, और फाइनल पोजिशन बॉडी की पता है कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, फाइनली ऐसे घूमेगा, ताकि जो नेट फोर्स फिर से क्या हो जाए? जीरो, लेकिन वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। देखो, कोई भी चीज अनस्टेबल है, वो स्टेबल होने की कोशिश तो करेगी, वो उसकी मजबूरी थी कि वो टिका हुआ था यहां पर जैसे ही आपने उसको हिलाया, तो वो अनस्टेबल से किस में आ गया? स्टेबल में आ गया। हालांकि नेट फोर्स पहले भी जीरो है, नेट फोर्स अब भी जीरो है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। तो ऐसे केस में जब कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आता है पेपर में? क्वेश्चन आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या है? जीरो, क्योंकि पी और ई आर इन सेम डायरेक्शन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो एंगल उनके बीच में कितना है? 180। क्लियर यहां तक? ये क्वेश्चन आएगा, 0 और 180। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसमें होगा नहीं। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जहां बॉडी को घुमा के छोड़ दिया वहीं टिक गई, उसे बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आपने यहां घुमाया, वहां टिक गई, यहां घुमाया, यहां टिक गई, ना वो आगे मूव करती है, ना वो स्टेबल में आती है, ना वो अनस्टेबल में आती है। पर वो इस केस में होगा नहीं, क्योंकि जब जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होनी होनी है, या तो वो ये पोजीशन गेन करेगी या बॉडी ये पोजीशन गेन करेगी, कोई एक तो करेगी पक्का। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स हैं। अब मान लो एक मिनट के लिए
आपने अपनी बॉडी को हिला दिया, तो ये प्लस क्यू, तो ये क्या है क्यू ई, और ये क्या है माइनस क्यू ई, आपने हिला दिया, बॉडी क्या है वापस आएगी। अब होता क्या है, बॉडी एकदम वापस नहीं आती, क्या होता है वो घूमती है, थोड़ी सी नीचे चली जाती है, ऐसे थोड़ी सी, बहुत हल्की, मैंने बहुत बड़े एंगल बनाए हैं, लेकिन हल्की सी नीचे चली जाती है, एकदम ब्रेक्स तो अप्लाई करेगी नहीं, मोमेंटम है, थोड़ा सा आगे चला गया। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर क्यू ई इस तरफ, माइनस क्यू ई इस तरफ, फिर एक बार इस पर फोर्स लगेगी और बॉडी वापस आने की कोशिश करेगी, लेकिन यार रुक नहीं पाती, थोड़ी आगे चली जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इस डायपोल को हिलाते हैं ऐसे, तो ये ऐसे आता है, थोड़ा नीचे जाता है, फिर ये मीन पे आता है, फिर ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे आता है, तो एक्चुअल में ये डायग्राम बनता है, बहुत हल्की वाइब्रेशन होती है, ऐसे ऐसे, तो एकदम नहीं आता, थोड़ी देर में ये रेस्ट पे आएगा, तो एक बार ये ऐसे मूव करेगा। तो पॉइंट क्लियर है, तो आने वाले टाइम में आएगा, अगले लेक्चर में शायद प्रूफ करो ये SHM में ऐसे आएगा, टाइम पीरियड निकाल लो क्या होगा, वो बाद की बात है, बट एक्चुअल में SHM में होता है, वो क्यों होता है बाद में देखेंगे, पर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्लियर है, कोई डाउट इसमें?